बिलासपुर के सरकारी अस्पताल सिम्स में पिछले 5 दिनों में 11 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों के मां बाप ने डॉक्टर पर लापरवाही और सूचना ना देने का आरोप लगाया है। वहीं डॉक्टर आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए दिख रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में नसबंदी कांड को बीते 15 दिन भी नहीं हुए हैं कि एक और मामले ने तूल पकड़ लिया। इस बार कहर दुधमुहे बच्चों पर टूटा है। अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगाई इस गरीब माँ के अरमान खाक हो गए। अब इसका बच्चा कभी लौट कर नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज सिम्स में पिछले 4 दिनों में मातम पसरा हुआ है। अस्पताल के शिशु वार्ड में 11 बच्चों की मौत हो गई। लगातार हो रही मौत ने बच्चों के माता पिता को तोड़ कर रख दिया। सतमा इतना कि आंसू तक सूख गए। इंजेक्शन लगाने के बाद बोलते कि उसको फेल फेंक दिया मुझसे, तो पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, कैसा इंजेक्शन लगाते हैं, कि आदमी जहर के इंजेक्शन लगाते हैं ये डॉक्टर बताएगा, क्योंकि अकेले में लगाता है ये आदमी, किसी को बताता तो है नहीं। तो कन सांस नहीं ले सकते सर, तो नाने हम भर्ती करें हम तूते। परिवार वालों का आरोप है कि इन्फेक्शन फैलने की वजह से बच्चे बेमौत मारे जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों की मौत तो हुई है, लेकिन इन्हें अलग अलग वजहों से भर्ती कराया गया था, लिहाजा मौत की वजह भी एक नहीं है। जो सामान्यतः जो गंभीर मरीज थे और उनको पूरा प्रयास करने के बाद भी हुए हैं, मैं उस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन किसी एक कारण से नहीं हुआ। मतलब सबका अपना एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत कारण था कि कोई बच्चे जन्म जो दिन से उससे कम हुए, किसी का वेट कम था, किसी को इन्फेक्शन थे, तो अलग अलग कारणों से हुआ है। परिवार वालों को शक है कि चाइल्ड केयर यूनिट में फैले इन्फेक्शन की वजह से बच्चों की मौत हो रही है। डॉक्टरों ने चाइल्ड केयर यूनिट का केमिकल ट्रीटमेंट भी किया है, लेकिन कोई दावे से नहीं कह सकता कि बच्चों की मौत क्यों हो रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल बिलासपुर में ही हैं, लेकिन हालात पर काबू पाने के लिए ना तो वो कोई रुचि दिखा रहे हैं, ना ही अस्पताल का दौरा करने का उनके पास वक्त है। सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकार इन बच्चों की मौत के वजहों की जाँच कराएगी। कमल दुबे के साथ सुनील नामदेव, बिलासपुर आज तक।